गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चैप्टर 10 सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी सी एंड डी इज इंटरसेक्शन ऑफ ये सारे पॉइंट है। ए बी सी डी इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एल। क्या दिया? ईडी इक्वल टू दिया आपको, ईडी टोटल दिया, ईडी इक्वल 12 सेंटीमीटर। ईडी 12 है एंड नाउ बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया आपको? 8 सेंटीमीटर है, राइट। फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ ईडी फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईडी एंड सी डी फाइंड करना। क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईडी, सॉरी ए बी फाइंड करना है। ईडी तो आपको दे दिया है, ए बी फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है आपको? ए बी एंड सी डी, राइट। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था या प्रीवियस लेक्चर में, क्या था बेटा कि सेंटर सेम रेडियस डिफरेंट, दिस कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, राइट। तो अब इसमें देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ओ पी, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ओ पी परपेंडिकुलर, ओ पी परपेंडिकुलर बी सी, और ओ पी परपेंडिकुलर क्या आएगा? ए डी। ओ पी परपेंडिकुलर ए डी हो गया, क्लियर। जो जो दिया टोटल, क्या दिया आपको? ई डी पूरा होल दिया है, तो देख ओ पी ही कि ओ पी परपेंडिकुलर, तो ए डैश पी डैश डी हो गया, ए डैश पी डैश डी। देखो ओ पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर रहता है उसके क्या आएगा? हाफ आएगा। ई डी का हाफ क्या मिलेगा हमको? ए पी मिल जाएगा, ए पी और पी डी। ई डी इक्वल कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर है, तो ए पी इक्वल टू पी डी इक्वल टू कितना आएगा? 1/2 ए डी। कितना आएगा? 1/2 ए डी। इज इट क्लियर? कैसे लिखा? परपेंडिकुलर के ओ पी परपेंडिकुलर ए डी, तो कितना इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट, कितना ए डी इक्वल टू 12, तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। ले ए पी इक्वल टू पी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए पी मिल गया आपका, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर। अब नाउ बी पी, देखो बेटा कि ओ पी सेकेंड क्या है हमारा, कि ओ पी परपेंडिकुलर ये क्या है? बी सी। कि ओ पी परपेंडिकुलर बी सी, तो हमको पी बी, बी पी, बी पी और या बी पी बोलो या पी बी बोलो या पी सी, बी सी का हाफ, जो बी सी हमको दिया, बी सी कितना दिया आपको? 8। बी सी कितना दिया? देखो बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया, तो उसका हाफ, उसका हाफ क्या आएगा? बी पी। तो कितना? बी पी इक्वल टू BP इक्वल टू PC इक्वल टू 1/2 BC। तो इक्वल टू कितना होगा? 1/2 BC। BC की वैल्यू कितनी? 8 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू कितना होगा? 2/4, लेकिन कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। ले PB या BP या PC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? हो गया। अब फाइंड क्या करना है आपको? AB फाइंड करना है। AB यहाँ से डिस्टेंस ए बी, तो टोटल आपके पास है, देखो ए पी कितना है आपके पास? 6 है। ए पी कितना दिया आपको? 6। ए पी भी है आपके पास, देखो जो जो चीज़ आपको फाइंड होकर मिल लिखता हूँ कि ए पी इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर, और बी पी इक्वल टू, बी पी भी मिल गया आपको, कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड क्या करना है आपको? ए बी फाइंड करना है। कितना आएगा? ए बी इक्वल टू, देखो ए बी ये टोटल आपके पास 6 है, ए पी बी पी कितना है आपके पास? 4 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा? टोटल में से माइनस कर दो, देखो टोटल कितना है कि 6 है 6 माइनस 4, ए बी इक्वल टू कितना आएगा? ए बी, तो ए पी माइनस पी बी, तो ए पी कितना है हमारे पास? ए पी 6 है 6 माइनस 4, ले ए बी इक्वल टू कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर, इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए बी मिल गया। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर। सेकेंड क्या फाइंड करना है आपको? सी डी फाइंड करना है। सेम वे आपके पास देखो पी डी, यहाँ तक पूरा 6 है, सी डी फाइंड करना है, या सी डी इक्वल टू टोटल, देखो सी डी तो टोटल कौन सा? पी सी डी पॉइंट है, कि पी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, तो क्या होगा टोटल कौन सा है हमारे पास? कि सी डी फाइंड कर, टोटल पी डी, कि सी डी इक्वल टू पी डी माइनस, पी डी माइनस क्या आएगा? पी सी, पी सी, तो पी डी आपके पास 6 है, पी सी भी कितना है? 4 है 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू सी डी इक्वल कितना आएगा? 6 माइनस 4, तो 2 सेंटीमीटर।
हो गया क्लियर। सी डी इक्वल टू सेंटीमीटर और ए बी इक्वल ऑल्सो टू सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। टेक्स्ट बुक रखना। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो सेंटर डिस्टेंस होगा वो कॉर्ड का क्या डिस्टेंस होगा इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के सर्कल है, सर्कल के टू कॉर्ड है, फर्स्ट कॉर्ड एंड नाउ अनदर कॉर्ड इज अ वन कॉर्ड इज ए बी, अनदर कॉर्ड इज अ सी डी, द सेंटर ओ। ये डिस्टेंस आपको दिया है एम ए और यहाँ से डिस्टेंस है एन ए। तो सपोज आपको ओ एम दिया होगा फोर, ओ एम फोर होगा तो ओ एन भी कितना आएगा फोर ही आएगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस नहीं, सेम डिस्टेंस जो कॉर्ड का जो डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी। अब नाउ ये फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में क्या होगा, सपोज मान लो कि आपको दिया है ये सिंपल है कि ओ एम ए बी कॉर्ड, नाउ अनदर कॉर्ड इज सी डी, ले ओ एन, ले ओ एम और ओ एन ये सेम डिस्टेंस। देखो एक एक ही सर्कल में दो कॉर्ड है तो उसका डिस्टेंस सेम है, पर सपोज मान लो ये दिया है तो भी उसमें क्या होगा फोर फोर आएगा। हो गया क्लियर? ले ओ एम इक्वल टू क्या होता है ओ एन। क्लियर? अब नाउ 10.6 थ्योरम, उसके स्टेटमेंट देखो, प्रूव नहीं करा पर इसका स्टेटमेंट देखो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ कॉन्क्रीट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अभी ना इक्वी डिस्टेंस होता है, क्या होता है इक्वी, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या होता है वो इक्वल होते हैं। हो गया क्लियर 10.6 थ्योरम। अब नाउ 10.7, जैसे हम देखो अभी हुआ कि ओ एल और ओ एम ये दोनों कॉर्ड के डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो दोनों का क्या होगा इक्वल होगा। अब नाउ 10.7 थ्योरम क्या है, कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन द लेंथ, उनकी लेंथ भी क्या होती है इक्वल होती है। हो गया। अब नाउ एक्सरसाइज 10.4, टेक्स्ट बुक रखना। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10.4, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, टेक्स्ट बुक रख लिया आपको बताया कि टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितने दिया 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो उससे पहले सर्कल ड्रॉ करो, फर्स्ट सर्कल, नाउ अनदर सर्कल, ये सेंटर ओ ए, यहाँ पे सेंटर दूसरा सेंटर इज ओडेस, कैपिटल ए, जॉइन देम एम एंड नाउ बी के 5 सेंटीमीटर रेडियस है, 5 सेंटीमीटर है के 5 सेंटीमीटर रेडियस, टू सर्कल के रेडियस 5 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी दी 3 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर हो गया? तो जो जो दिया क्वेश्चन के ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड नाउ ओडेस ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओडेस वो कीजिए, ओडेस ए की जगह दूसरा नाम भी ले सकते हो आप, कि ओडेस ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब टोटल देखो डिस्टेंस बिटवीन देम, जो सेंटर का डिस्टेंस इसलिए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर टोटल कितना दिया आपको 4, ले ओ ओडेस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कितना दिया ओ ओडेस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? हो गया ओ ओडेस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मीन्स हमको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी ये कॉर्ड है, टोटल कॉमन कॉर्ड फाइंड करना है। देखिए इससे पहले कि जो जो दिया है कि कौन सा ट्राइंगल बनेगा, आपके पास देखो 3 ए डिस्टेंस बिटवीन देम, ये टोटल आपको कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया आपको 4 सेंटीमीटर, राइट? और ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ओडेस ए 3 सेंटीमीटर है। तो नाउ पाइथागोरस थ्योरम, ए ओडेस स्क्वायर प्लस ओ ओडेस स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर,
तो फिर से ओ ए स्क्वायर ए ओडे स्क्वायर, ए ओडे स्क्वायर प्लस ओ ओडे, ले ए ओडे स्क्वायर कितना है आपके पास, थ्री स्क्वायर है, थ्री का स्क्वायर प्लस ये टोटल कितना दिया आपको फोर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर तो हमारा कितना है, ओ ए स्क्वायर तो मिल गया आपको, ओ ए स्क्वायर कितना आएगा फाइव स्क्वायर, या फाइव स्क्वायर है या आपको ओ ए स्क्वायर करोगे तो भी फाइव स्क्वायर मिल जाएगा। तो नाउ ओ ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री स्क्वायर नाइन प्लस सिक्सटीन इक्वल कितना आएगा ट्वेंटी फाइव स्क्वायर। तो ओ ए इक्वल कितना मिलेगा फाइव सेंटीमीटर, देखो ये भी फाइव आ गया और आपको दिया है फाइव सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। इसलिए ये क्या इसके लिए क्या हमको राइट एंगल, ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल है, कौन सा ट्राइंगल, नाउ ट्राइंगल ओ ओडेस या एंगल ओ ओडेस ए, ट्राइंगल ओ ओडेस ए, ओ ओडेस में एंगल ए, ये जो एंगल हमारा कौन सा है राइट एंगल, इसलिए हमने ये किया। समझ में आ गया किसके लिए किया गया कि हमारा एंगल ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल, नाउ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल इज ऑल्सो ओडेस, राइट एंगल इज ऑल्सो ओडेस, इज इट क्लियर, हो गया। तो उसका एरिया भी फाइंड कर दो, तो क्या आएगा एरिया कि एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ ओ ओडेस ए, एरिया ऑफ ओ ओडेस ए, एरिया ऑफ ओ ओडेस ए इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल, तो उसकी फॉर्मूला का वन बाय टू बेस, वन बाय टू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो वन बाय टू ओडेस ए इंटू ओ ओडेस इक्वल टू क्या होगा वन बाय टू ओडेस ए, आपके पास कितना है थ्री इंटू फोर, टू टू सात तो कितना आएगा सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मिल गया आपका एरिया, एरिया ऑफ ओ ओडेस इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर, इज इट क्लियर। इसलिए हमको क्या प्रूव हो गया है कि परपेंडिकुलर है कि टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट देन सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ये क्लियर। किसका एरिया के ओ ओडेस ए भी फाइंड हो गया, दूसरा क्या एरिया ऑफ ओ ओडेस, दूसरा ले ए एम के लिए, ए एल्टीट्यूड के लिए फाइंड कर रहे हैं कि नाउ एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ओ ओडेस ए इक्वल टू वन बाय टू ओ ओडेस इंटू ए एम इक्वल टू वन बाय टू, ओ ओडेस हमारा कितना है फोर है, वन बाय टू फोर इंटू ए एम, ए एम हमको दिया नहीं, ए एम फाइंड करना पड़ेगा आपके पास, ठीक तो टू टू सा कितना आएगा एरिया, एरिया ऑफ ओ ओडेस ए इक्वल टू टू ए एम, कितना हुआ एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ओडेस ए इक्वल टू टू ए एम, इज इट क्लियर। ये हो गया, ये भी आ गया सिक्स सेंटीमीटर, ये हमारा मिल गया आपको इक्वेशन टू। तो हमने फाइंड किया एरिया कितना दिया है सिक्स दिया है, फाइंड किया है तो इक्वेशन वन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू, कितना यहाँ पे सिक्स इक्वल टू टू ए एम, तो ए एम इक्वल टू कितना आएगा सिक्स डिवाइड बाय टू, बोले ए एम इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर, ए एम थ्री सेंटीमीटर मिल गया, ए एम इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर। तो हमको ए बी क्वाड फाइंड करना, क्या फाइंड करना ए बी, तो ए बी कितना आएगा ए बी इक्वल टू टू ए एम इंटू इंटू थ्री ले कितना आएगा सिक्स सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर, हो गया क्लियर। लेकिन आता है लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर, क्लियर हो गया, क्लियर। सबसे पहले देखो राइट एंगल ट्राइंगल था, इसलिए क्या बन गया बेटा ए ट्राइंगल में से दो है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ओ ए ओडेस उसमें वन बाई टू, इसका एरिया फाइंड किया वन बाई टू बेस इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ओडेस वन बाई टू बेस इंटू हाइट, वन बाई टू क्या मिलेगा आपको वन बाय टू बेस इंटू हाइट ले थ्री इंटू फोर, ये एरिया मिल गया कि ओ ओडेस ए का एरिया मिल गया। बाद में कौन सा सेकंड एल्टीट्यूड आया, ठीक एल्टीट्यूड देखो ट्राइंगल होता है ट्राइंगल में बेटा ए भी एल्टीट्यूड है राइट, इले ओ ओडेस ए और यहाँ पे हम एल्टीट्यूड ए हाइट या एल्टीट्यूड है हाइट और ये बेस हो हमारा, तो आपके पास ये तो टोटल तो आपको दिया था फोर, ये हमको नहीं दिया है तो कोई बात नहीं फाइंड किया, देखिए बाद में ये हम एरिया फाइंड कर दिया तो एरिया से बाद में पुट कर दी इक्वेशन वन की वैल्यू किसमें पुट की इक्वेशन टू में, इज इट क्लियर, हो गया क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम ऑफ स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, वो तीनों तीन गेम खेल रहे हैं स्टैंडिंग वन सर्कल में ऑफ रेडियस 5 मीटर
ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रो बॉल टू द सलमा, जो रेशमा है बेटा सलमा को पास कर रही है बॉल। सलमा टू सलमा किसको पास कर रहा है बेटा, मनदीप को। मनदीप वापस किसको पास कर रहा है बेटा बॉल, रेशमा को। टिप द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा इन द बिटवीन, देखो कितने का डिस्टेंस फाइंड करना है कि रेशमा एंड सलमा, सलमा एंड मनदीप। जो सलमा और मनदीप का डिस्टेंस दिया है कितना दिया, 6 meter है ईच। एंड देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप, राइट। इससे पहले फिगर ड्रॉ कर ले, ड्रो द फिगर के सेंटर ओ आर एम, देखो आर किसका है, रेशमा का है, एम मीन्स मनदीप का है। नाउ एस, एस मीन्स सलमा। सेंटर से ज्वाइंट देम। नाउ ओ एन, ओ एन परपेंडिकुलर, ओ एन आपको दिया, ओ एन इज 6 meter। फिर से बताओ आर क्या है आपका पास, आर रेशमा है, एस सलमा है, और एम क्या दिया आपको, मनदीप दिया है। और जो जो डिस्टेंस है बेटा फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, देखो कौन सा डिस्टेंस दिया है कि रेशमा सलमा मंदिर पे प्लेइंग गेम, रेडियस दिया है। तो रेडियस तो हो गई, ये भी मिल गया आपकी रेडियस कितना आएगा, 5 meter, और ये भी क्या होगा, 5 meter। और देखो आप दूसरा क्या दिया है, रेशमा और सलमा, रेशमा एंड सलमा का डिस्टेंस दिया है, रेशमा और सलमा का डिस्टेंस कितना दिया, 6 meter दिया है। कितना दिया आपको, 6 meter। और सलमा और मनदीप का भी डिस्टेंस आपको कितना दिया, 6 meter है, राइट। फाइंड हमको क्या करना है, फाइंड द रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप का दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, आर एम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, आर एम, उसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन देम, क्या आएगा पी। फाइंड क्या करना है, आर एम फाइंड करना, क्या फाइंड करना है हमको, आर एम ए, राइट। जो जो फिगर में ड्रो किया है उसके पे लिख दी थे हम ना, ओ इज अ, ओ बी द सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड रेशमा सलमा एंड मनदीप, मनदीप आर रिप्रेजेंटेड बाय by points R S and capital M। क्या ड्रो किया कि नाउ ड्रो ओ पी परपेंडिकुलर आर एम एंड ओ एन परपेंडिकुलर आर एस, ओ एन परपेंडिकुलर आर एस। अब नाउ लेट आर पी इक्वल टू RP equal to X meter। तो नाउ एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, किसका है ट्राइंगल, ओ आर और एस, ये ट्राइंगल देखो, ओ आर ए ज्वाइन किया हो, ओ आर एस ट्राइंगल, तो इसके ऊपर 1/2 बेस आर पी इंटू क्या आएगा, ओ एस। तो 1/2 आर पी, आर पी हमने एज्यूम किया एक्स, नाउ ओ एस, तो ओ एस डिस्टेंस, ओ एस दिया है आपको कितना दिया है, 5 दिया है। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ देखो आपको कितना दिया है, 5। ओ आर एस इक्वल टू आर पी इंटू ओ एस, तो 1/2 एक्स इंटू 5, तो कितना आएगा इक्वल टू 5x/2 मीटर स्क्वायर, इज इट क्लियर। ओ आर एस कौन से ट्राइंगल में, ओ आर एस में, ओ आर एस में आपको दिया है कि 1/2 आर पी हमने क्या एज्यूम किया, आर पी इक्वल टू एक्स, ये एल्टीट्यूड हो गया, ए भी 5, ए भी क्या होगा बेटा 5 होगा आपको, ठीक है, नहीं ये बेटा ये टोटल 6 दिया है, ये हमारा 5 होगा डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है। ओ एस इक्वल टू, ओ एस इक्वल टू 5 centimeter, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 एक्स इंटू 5, 1/2
बेस इंटू एल वन बाई टू एक्स इंटू फाइव क्लियर। एरिया मिला किसका एरिया मिला, एरिया ऑफ ओ आर एस फाइव एक्स अपॉन टू मीटर स्क्वेयर। नाउ सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल कि नाउ इन ट्राइंगल आर एन ओ आर ओ में आर एन ओ राइट एंगल में ओ आर स्क्वेयर इक्वल टू आर एन स्क्वेयर प्लस एन ओ स्क्वेयर के ओ आर स्क्वायर इक्वल टू आर एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर। तो ओ आर स्क्वायर इज अ फाइव स्क्वायर, ओ आर इज अ फाइव स्क्वायर इक्वल टू आर एन, आर एन तो आर एन इक्वल टू, आर एन इक्वल टू थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर प्लस हीरा टोटल ये सिक्स है तो कितना आएगा थ्री आएगा। देखो ये कहाँ से आया कि आर एस आपको सिक्स दिया है तो आर एन इक्वल टू एन एस इक्वल टू कितना वन बाई टू सिक्स कितना हो जाएगा थ्री, कितना मिलेगा थ्री मिल गया आपको। आर एन स्क्वायर थ्री स्क्वायर और एन ओ स्क्वायर आपको फाइंड करना है एन ओ स्क्वायर, तो ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस नाइन इक्वल टू एन ओ स्क्वायर, एन ओ स्क्वायर इक्वल टू कितना सिक्सटीन, एन ओ इक्वल टू फोर मीटर, एन ओ भी मिल गया आपको एन ओ ठीक है, ये डिस्टेंस आपको मिल गया एन ओ इक्वल टू फोर, एन ओ इक्वल टू फोर इज इट क्लियर। एन ओ भी मिल गया एन ओ इक्वल टू फोर। अब सेकंड एरिया ओ आर एस में नाउ एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस इक्वल टू वन बाई टू आर एस इंटू वन बाई टू आर एस इंटू ओ एन, वन बाय टू ओ एन और आर एस। तो देखो आर एस कितना है हमारा सिक्स है और ओ एन कितना है हमारा फोर राइट है। वन बाय टू आर एस सिक्स इंटू फोर टू थ्री जा सिक्स और कितना आएगा थ्री फोर जा ट्वेल्व मीटर स्क्वायर, कितना आएगा ट्वेल्व मीटर स्क्वायर इज इट क्लियर हो गया। एरिया ऑफ ओ आर एस भी मिल गया आपको, एरिया ऑफ ओ आर एस कितना है, एरिया ऑफ ओ आर एस इक्वल टू ट्वेल्व मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन देखो आप आगे हमने एरिया फाइंड कितना एरिया ऑफ ओ आर एस था, ये हमारा इक्वेशन वन था हो गया क्लियर। फाइव एक्स बाई टू आया था और हमारा ये वैल्यू है, तब इक्वेशन वन और टू है देखो एरिया है के नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस है, तो इसमें एरिया उसकी वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन टू पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन राइट, लेके आएगा फाइव एक्स बाई टू इक्वल टू ट्वेल्व। अब डिवाइड से देखा तो डिवाइड में तो देखो मल्टीप्लाई में तो कितना आएगा फाइव एक्स इक्वल टू कितना आएगा ट्वेंटी फोर, तो नाउ एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव मीटर मिल गया आपको। एक्स जो एक्स एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था आर पी, क्या एज्यूम किया था हमने आर पी, ले आर पी आपको मिल गया फोर राइट, आर पी इक्वल कितना ट्वेंटी फोर बाय फाइव इज इट क्लियर। जो आर पी आपका आ गया आर पी, ये डिस्टेंस है आर पी, तो हमको पी एम कितना होगा उसका डबल कर देना, क्या आएगा उसका डबल, लेके आएगा आर एम इक्वल टू रेशमा से मंदिर का डिस्टेंस फाइंड करना है, आर एम इक्वल कितना आएगा टू इंटू आर पी, टू इंटू क्या है हमारा आर पी, टू आर पी कितना आएगा टू इंटू आर पी ट्वेंटी फोर बाई फाइव, आंसर फाइनल आंसर आएगा 48.5 और डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9.6 मीटर, कितना आएगा 9.6 मीटर इज इट क्लियर हो गया क्लियर। तो स्टेप बाय स्टेप देख लो क्लियर हो जाए दी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लिक क्वाड्रेटर, किसको बोलते हो साइक्लिक क्वाड्रेटर, क्या साइक्लिक क्वाड्रेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साइक्लिक क्वाड्रेटर के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल ड्रॉ कर दो, बोले सर्कल इनसाइड द क्वाड्रिलेटर के नाउ ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी राइट, ए बी सी डी इज अ कॉन साइक्लिक, उसके बाद कॉन साइक्लिक
क्या बोलते हैं, कौन साइक्लिक, और ए बी सी डी लाइज ऑन द सर्कल, तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होते हैं दोस्तों, क्या है सम, क्या है ऑपोजिट सम, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है 180 डिग्री, याद रखना, उसमें से एमसीक्यू पूछ सकते हैं एग्जाम में भी। देखिए एंगल ए और एंगल सी इक्वल टू 180, तो सेम ऑपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 180। दूसरा किस्सा है कि नाउ एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना आएगा 180। क्लियर होगा ये इक्वेशन वन और इक्वेशन वन और टू से क्या होगा, एंगल ए कंपेयर कर दो, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, हो गया क्लियर। देखो एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो सपोज मान लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, आपको दिया हुआ एंगल ए इक्वल टू 30 एंड नाउ एंगल डी इक्वल टू 40, तो फाइंड द रिमेनिंग एंगल, फाइंड द क्या करना हमको, रिमेनिंग एंगल फाइंड है। कौन सा है आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी दिया है, क्या दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, राइट। तो ड्रॉ द फिगर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है कि नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, आपके पास एंगल ए दिया है, एंगल ए इज 30, तो हमको फाइंड रिमेनिंग एंगल करना, एंगल डी दिया है 40, तो ऑपोजिट सम कितना होते हैं 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल कितना आएगा 180। आपके पास एंगल कितना दिया 30 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 30 कितना आएगा 150, एंगल सी हो गया 150। दोनों का ऑपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 180 से कम नहीं होना चाहिए, तो हो गया 180, 150 प्लस 30 कर दो तो हो गया 180। अब नाउ नेक्स्ट एंगल, एंगल बी फाइंड करना है, तो सेम वे एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, तो एंगल बी हमको फाइंड करना है प्लस एंगल डी कितना दिया 40 इक्वल टू 180, तो ना एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 40, तो एंगल बी इक्वल कितना आएगा 140, तो रिमेनिंग एंगल का आंसर क्या है एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल सी इज 150 एंड एंगल बी इक्वल टू 140, इज इट क्लियर।